तुर्की में बिदतें बहुत हैं तुर्की में चूंकि अब इस्लाम एक तवील अरसे तक ख़त्म रहा ना इस्लाम खिलाफत ख़त्म हो गई इल्म दीन ख़त्म कर दिया एक दौर में दाड़ियों पे पाबंदी लगी हुई थी तो वो इस्लाम का ऐसा गला घोंटा है वहां पे अब जाके इस्लामी तहरीकें उठ रही हैं अब वो आ रहे हैं लेकिन उनको टाइम लगेगा अभी वहां बिदतों का बहुत गलबा है बिदत का मैंने तुर्की में पहला रमजान मेरा तुर्की में था आप हैरान होंगे मैं तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में गया और रश बे इंतहा था मस्जिद भरी हुई थी ना इतना लोगों में जोशो खरोश सारे पैंट टाई कोट पैंट टाई कोट में थे लेकिन इतना जज्बा उन लोगों में हम जब गए हैं हम सफर में थे बहुत थके हुए थे तो हमने कहा चलो तरावी पढ़ते हैं इमाम साहब ने पहली रकत अल्लाह अच्छा, जो इमाम थे वो शाफी मसलक के थे तो वितर उन्होंने खुद नहीं पढ़ाए उन्होंने कहा क्योंकि तुर्की में सारे हनफी लोग रहते हैं तो वितर एक हनफी इमाम को उन्होंने आगे किया ये हमें पॉजिटिव चीज नजर आई कि अपना मसलक थोपा नहीं उन्होंने तो अब क्या है कि जब उन्होंने नमाज पढ़ाना शुरू की ना तराबी की पहली रकत ने आवाज आई आगे क्या हुआ आगे तिलावत की वो उससे ज्यादा अजीब है वो तिलावत ये की वला, अबुद माता अबुदूना वला अबुदूना में चले गए मैं सोच रहा हूं ये कौन सी सूरत पढ़ी है इन्होंने कहां से शुरू किया है सब साथी हमारे ये सोच रहे अगली रकत में वला के बाद वलम वलम लहू में दो चार रकतों तक तो हमें पता ही नहीं चला ये तोरात पढ़ रहे हैं इंझील पढ़ रहे हैं कहां से पढ़ रहे हैं कुलिया यूहल काफिर से भी शुरू नहीं कर रहे थे तो ना कुलिया यूहल काफिरुन से शुरू करते बीच से वला आबुदू मा ताबुदू ना वला अंतुम लकुम दीनुकुम तीन आयतें आखिर की फिर जब तीसरी रकत पड़ी है तो भी वला आबुदू मा ताबुदू ना वला अंतुम आबुदू ना माबुदू लकुम दीनुकुम फिर जब अगली रकत है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु दो चार के बाद में पता चला भाई ये कुलवल्ला भी आधी पढ़ रहे हैं और सूरह काफिरून भी आधी बीस की बीस रकतों में यही पढ़ा है उन्होंने तो मेरे साथ एक दो लोग और भी थे उन्होंने कहा यार ये स्टाइल की तराबी हमने पहली दफा देखी है मैंने कहा बेटा हमने गाँव में तराबियां पढ़ी है। बहुत स्पीड में ऐसी स्पीड खुदा की कसम फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही है ऐसी स्पीड हमने आज तक नहीं देखी फिर वो उन्होंने कहा भाई वो जो है वो तर... क्योंकि सारे तुर्की भी तो 99.9 नाइन पॉइंट नाइन परसेंट फनफी है तो खिलाफत थी ना वहाँ तो अब वहां पर वो इमाम जो थे वो हनफी इमाम आए नमाज पढ़ाने के उन्होंने फिर वो वितर में पूरी कसर पूरी कर दी इतनी लंबी बीज भी नहीं हुई जितना लंबा उन्होंने भीतर पड़ा वो फिर तजवीज बहुत अच्छी थी उनकी करात बहुत अच्छी हमने कहा भाई आज तो पढ़ ली इसके बाद हम ये तरावी अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन हम बदगुमान नहीं हुए उनसे ये भी मैं आपको जो वाक्य बता रहा हूँ खुदा यानी उनकी तोहिन के लिए नहीं हमने कहा यार ये हालात अगर हम पर आए होते तो शायद हम इससे भी गए थे जब आप उल्टी सोच लेके जाते हो ना तो हर कौम की बुराई नजर आती है आपको जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो फिर हर उसमें भी आपको अच्छाई ही ना हमने कहा यार इनके ऊपर सौ साल लिबरल हुकूमतों ने हुकूमत की है इस्लाम का गला घोंटा है इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना रमजान की तरावी बचा ली ये भी गनीमत है क्योंकि ये उनके उताद जो भी इमाम थे ना वहां जिन्होंने तरावी पढ़ाई उनके उस्ताद उनके उस्ताद उनकी आप हिस्ट्री पढ़ो बड़ी कुरबानियाँ दी उन लोगों ने इसको भी बचाने के लिए वरना तो ये भी खत्म हो गया था छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे छुप छुप के कुरान तो इतना भी रह गया क्या ये गनीमत है भाई अब जब इस्लाम आएगा तो इनशाला फिर वो आहिस्ता आ जाएंगे खैर की तरफ तो उनकी ये बुराई ना देखेंगे वो इस तरह से तरावी पढ़ रहे हैं हमारे नजर तो मैं जायज़ नहीं इस तरह पढ़ना हमने तो कहा हम अपनी अकबल तरीके से पढ़ लेंगे लेकिन हमने यही कहा कि यार ये जो इन लोगों ने इतना भी बचा लिया ना इस्लाम को अच्छा तुर्की में एक बिदत और भी है होता ही है कि जब इमाम फात नमाज फ़र्ज नमाज पढ़ाता है ना तो एक मौज़िन या जो इकामत पढ़ने वाला पीछे बैठ के लाउड स्पीकर पे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह ऐसे पढ़ रहा होता है मैं जब फ़र्स्ट टाइम तुर्की गया मैंने कहा भाई ये क्या भिदत है यार ये तस्वीर आहिस्त से पढ़ो वो माइक्यों क्यों पढ़ रहा है तो हमारे उस्ताद जो उनको तुर्की पर बड़ी मालूमत है ना वहाँ की हिस्ट्री बहुत जानते हैं उन्होंने कहा हुआ ये था कि जब यहाँ मस्जिदों में इमामों में पाबंदियाँ लगी हैं तो यहां के ओलमा ने कहा कि अगर हम ये तस्बीहात माइक पे नहीं पढ़ेंगे ना ये आहिस्ता लोग इन चीजों को भूल जाएंगे तो मजबूरन के, के ये चीज जो है पीछे बंदा बिठा के माइक पे पढ़ लो ताकि इन लोगों को ये याद रहे ये भूलें नहीं भूलें नहीं तो इस तरह से उन्होंने इस्लाम की बाकियात को बचवा बहु, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी ओलमा ने तो उन्होंने कहा जब ये अब आएंगे पूरे इस्लाम की तरफ यहां दीनी इदारे खोलेंगे तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनशाला छूट जाएंगी लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ऐसा ना हो कि यहाँ के आप नया फरका बना दें कि ये सारे बेदती हैं लोग क्या कर रहे होते हैं ऐसे मौके पर अब ये सारे क्या हैं बेदती हैं इनको तो तरावी पढ़नी नहीं आती इनको तो तस्वीर माइक पे पढ़ते हैं मैं एक नई मस्जिद बना रहा हूं उसका नाम होगा आ, कुरान सुन्ना अकेडमी और उसमें मैं सब कीड़े निकालता रहूंगा बैठ के ये हमारे पाकिस्तानियों का ये स्टाइल है ये भी बेदती है उसको माइक पे तस्वीर पढ़ता है वो भी जहनमी वो भी जहनमी कुरान सुन्ना सिर्फ मैं बता रहा हूँ तो इससे सोसाइटी में इसलाह नहीं होगी इससे एक नया फिरका बन जाएगा इसलाह का यही तरीका है आप उनकी खूबियों को हाईलाइट करें और बंद कमरे में आराम से उनको बैठ के समझाएं कि भाई अब तो चूंकि अब वो माहौल खत्म हो गया सेकुलर हुकूमतें आप माशाल्लाह आपने दीनी जज्बे से ये काम किया लेकिन सुन्नत तरीक़ा ये है कि आप आहिस्ता आवाज़ में तस्वीर पढ़ा करें तो इस तरह से कोई पॉजिटिव वे में हमारे देवबंद काम कर रहे हैं अलमदुल्लह जाके तुर्की में पॉजिटिव वे में बड़ी मेहनतें की उन्होंने तो कोई पॉजिटिव वे में काम करेगा तो काम हो जाएगा लेकिन अगर ये खुली छूट दे दी ना तो यहाँ से फितना परस जाके वहाँ भी अपनी यूट्यूब पे दुकानें खोलेंगे लेबल लगाएंगे फिर कवारी ख़त्म कर रहे हैं लेकिन होगा क्या मार्केट में नए नए फिरके आना शुरू हो जाएंगे तो कौम की असलाह करनी चाहिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखनी चाहिए फिर भी आराम ना आए तो करीबी मालिक से रजू करना चाहिए